ਹੋਰ ਪਰਾਠਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਚ ਲਪੇਟੀ ਕੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸਾਂ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਕਿਉਂ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਹੜੇ ਚ ਕਮਰਾ ਨਾ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭਜਾ ਤਨਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਦੇਵਰ ਭਾਬੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਸ ਹੈ? ਖਾ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪੀ ਸੋ। ਚਾਹ ਲਿਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਿਆਰ ਹੈ, ਠਹਿਰੋ। ਆਏ ਹਾਏ, ਬੇੜਾ ਤੜ ਜਾਏ ਤੇਰਾ। ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲੱਗਣੇ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਕੜੀ ਬਾਲੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰੀ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢੋ। ਤੁਸਾਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਓ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ, ਆੜ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਪਈ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸਤੀ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਲ ਚੱਲਿਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਆ ਮੈਂ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮੇਂ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨਾ ਥੀ। ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿ ਉਸਕੇ ਹਾਣ ਕੀ ਹੋਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਕਹਿਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਮ ਢਹਿਰੇ ਗਰੀਬ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੇ ਦੇਵਰਾਨੀ ਕੇ? ਲੈ ਤੂੰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਖਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਝੇ, ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੇ ਲੂੰਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇ। ਕਿਰਾਇਆ? ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਲ ਜਾਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆਨੀ ਆ। ਹਾਂ Thank you.
की बनिया पानी दा? पानी ना होना सी। क्यों? वो नई सड़क पे बनाने ने पैप टूटे गए ने। हाँ ते मुरम्मत हो रही है ना, फिर ते आ जाएगा। तू छड्ड ना गला नू, रोटी दे। इत्थे पानी दा मसला पिया है, तानू रोटी दी पई है, मैनू दसो ते सही। तो क्या करा, गिरबान फड़ छोड़ा उन्हां दे मैं। ओ ना ना, पर पानी ना आया ते असीं की करांगे? जो सारा ग्रह कर सी पानी खूह तो आ सी। पर अब्बा जी ले आएगा कौन? ए कम सनानिया दा है, तू जा सी। पता है डायरिया हुआ है इसे, और डायरिया से मौत भी हो सकती है। नहीं 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 डॉक्टर जी, मैं ना अब इसको पानी उबाल के पिलाया करूंगी। कर ही ना लो। ये दवाई बाहर ले लाओ कंपाउंडर से। जी वो डॉक्टर जी, अब्बा जी के लिए भी दवाई लिख दें, रोज ही कपड़े खराब करते हैं वो भी। फिर वही पानी का मसला। जब तक तुम लोगों की अकल में ये बात नहीं आएगी ना, तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। ये लो। शुक्रिया डॉक्टर जी, अस्सलाम वालेकुम। और ये दवा अब्बा जी को सिर्फ हफ्ते में एक बार देनी है जी। हाँ याद रखना। कौन दवा देती है ना डॉक्टर साहब ने, मेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चल मैं तेनू रोटी दवा कर जाऊंगा। बेड़ा गर्क हो इन गारमेंट वालों का, सड़कें बनाई है तो पैप ही तोड़ दिए। इसी तरह चूल्हे के आगे बैठे बैठे जिंदगी गुजर जानी है तेरी रानी। अरे ये क्या है? तेरे से 500 रुपए उधार नहीं लिए थे मैंने? नहीं चाहिए तुझे? लगता है तनवीर भाई को ना ठेकेदार ने पैसे दे दिए हैं। आहो दे ही देते ने। बस बैठो, तुसी लोग दुआ करो असगर दा ना रिश्ता हो जाए। मैं ना फटाफट उसकी शादी कर दूं। चल अल्लाह खैर करेगा। आमीन आमीन। अम्मा अम्मा रजिया मेरा एक काम कर देगी क्या? ये मेरे बर्तन भर के ना घर तक पहुंचा दे हैं। मैं? हाँ ना, असगर के ना रिश्ते की बात चल रही है, मेरा कार जल्दी जाना ना बड़ा जरूरी है। कर देगी बहन, बोल ना। अच्छा भर दूंगी। बड़ी अच्छी है तू। गुड्डू ठहर, मैं भी आ रही हूं, इंतजार कर, रुक। दस रही सी के मां प्यो भी मर गए ने। फूफी दे नाल ना पिंडी च रहिंदी ते किसी घर च काम करदी है। मैं ते साफ कह दिता है कि सानू चाहिए नहीं चाहिए, वो कित्थे रखांगे? बस सिर्फ कुड़ी चाहिए। दास फिर कैसी लगी है तुम्हें?
भाभी मैं इनकी पता है तो जानकर पूछ उन ले ब्याह तेरा कराने हो जा कराने मेरा भी ब्याह करा दे इसमें बहु खिदमत करा सकती बहु दस कमरे तक ही करसा अब्बा जी नाल गल कर लवांगे इत्थे सो जाएंगे किधरे भी ते हल्की फुल्की छत पवा देंगे गुजारा ही करना ना कर लवांगे अब बोल ना क्यों शर्मा रही है भाभी मैं के पता है तसा तक लॉजिक करने होते हाय हाय लो जी फिर गल पक्की कर लेने आ हुन पता लग सी राजा जी तो दिखाओ जी खाओ जी भूख नहीं है भूख नहीं है टाणा टाटा कड़िकटा 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 टाणा टाणा कड़िकटा 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 कीड़ा था कीड़ा मार दिया ओ ये गल बाऊं एक बात पूछूं तुझे गले बातें करने वाले मर्द पसंद हैं या खामोश रहने वाले सच बताऊं तू बोले या खामोश रहे मुझे तू ही पसंद है सच मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी नहीं बड़ी गल है क्यों तू झूठ बोलता है कभी कभी वो जब ठेकेदार उड़ी पूछते हैं ना कि केड़े केड़े जाकर चाह पीती है तो मैं कहता हूं मैंने नहीं पी हुई तो इस तरह एक कप और मिल जाता है पढ़ेगा लिखेगा बड़ा आदमी बनेगा मेरा बच्चा शमीम एक और पराठा बना दिया नहीं भाभी बस
बाजी बुला रही। जी बाजी। ओ पारे को के आ जाओ यार, काम ते जुलना ही। जी बाजी। अंदर जाना। गुड्डू नाश्ता कर लिए? ते उठना बस्कर। असगर अब्बा जी नु दवा दे दें। मेज ते पई है। गल सुन, ए बर्तन रख के ना तैयार हो जाए, बाहर जाना। नहा के कपड़े बदल लूं? ओ नहीं नहीं, नहाना नहीं, इतनी सोहनी लग रही है इस तरह। चल ठीक है, चल। बाल्टियां ले आ। बाल्टी आओ जा ले के आ। पानी परन जाना है ना, ऐसली कह रही सी। चल आ जा भाई, आ जा। चलिए आ गई हो भाई। कैसी हो? ठीक हाँ, बड़े टाइम पे आ गई हो। बस मैंने कहा पानी भर लो। अच्छा। और सुनाओ। चल भाई सलाम करो, ये रजिया है और ये आसिया है। अस्सलाम वालेकुम। चलो चलो देर हो जानी है, आजो आजो। शमीम एथे आ। सैमा ए मेरी बेटी इज़रतीम। लिया आई। ओ वेख क्या रही है, उठाए ने अभी बथेरे काम करने। चल जल्दी कर, खाना भी बनाना है, सफाइयां भी करनी है। चल जल्दी कर। चल शमीम ए पानी उस ड्रामे च पा दे। आ
नहीं तेरा बेड़ा तर जाए शमीम ऐ हाय पागल जी ना होए थे सारा पानी रोड़ देता है भाभी मेरे पैर से खून निकल रहा है मुझे डांट रही है आना तो की करा अस्पताल लेके जावा तेरी मरम पट्टियां करावा मैं सारा पानी रोड़ देता है तो मेरे नाल गला कर रही है अब बात सुन ए, तेरा खून है पानी नहीं है जरा मैं अफसोस करा चल हूं जा जा मेरी नजर तो दूर जा उन्हें दीदे फाड़ के मैनू क्यों देखनी है चल जा जा तो उठ सारा पानी रोन दिता ते रो इस तरह रही है सलाम भाभी वालेकुम अस्सलाम ओ शमीम की तकिया किधर है कमरे च ही होनी क्या गल है जनाब वो आज तो बहुत गुस्से च ते गुस्सा करना नहीं मैं ओ मुई ने सारा पानी रोड़ दिता है क्या हुआ है बता ना क्या हुआ भाभी पानी भरने ले गई मुझे अपने साथ इतनी जोर से पैर पर चोट लगी है खासकर भाभी मुझे पहले बता दी थी कि इतना दूर जाना है इतना पथरीला रास्ता है मैं अपनी चप्पल बदल लेती अपने कपड़े बदल लेती पूरे जूता में मेरा टूट गया जोर से चोट लगी है पैर में पूरा कट गया पैर मेरा अच्छा ना रो ना रो ना रो मैं भाभी से बात करूंगा ठीक है तू रो मत सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा अच्छा ये देख मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं सुर्खी लगाना बहुत अच्छी लगेगी गुस्से वाली है बल्ले भाई बल्ले 11 साल हो गए ने मैनू पानी भरदे हुए ते मेरा एहसास ना होया किसी नू है अज गल अपनी बीवी ते आई है ते तू मेरे मुंह मथे लगन आ गया वेख लिया अपने भरा नू ओ मिकी रोटी खान दियो मैं ना पा अपने चक्करां च ओ भाई जान मैं सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उसकी पता होंदा ते ओ जुत्ती तब्दील कर लेंदी ओ की जुत्ती तब्दील कर लेंदी मैनू किसने सिखाया सी पहाड़ा ते चढ़ना सिर्फ इसलिए कि मैं गिला नहीं कीता आज मेरी एक गल ना तुसी सारे कण खोल के सुन लो मैं आज तो बाद पानी परन नहीं जाना सिर्फ ऐवे जाएगी मैं गुड्डू दा दाखला स्कूल च करावांगी ओनू पढ़ावांगी ओनू लिखावांगी समझ आ रही है तेनू बड़ा आया जुत्ती आला अरे ओ शमीम
सही ना, आ जा चुतिया बहन, चल आ जा। तेन बड़ा मजा आ सी आज। आ जा। सचमुच पानी भरने जा रहे? तो और क्या, मुझे लगा क्या यही कि तू मुझे सैर पे लेके जा रहा है। हाँ तो दोनों काम हो जाएंगे ना, पानी भी भर लेंगे साथ सैर भी हो जाएगी। ठहर जा, ध्यान से इधर पैर रख, आराम से। ये मसला नहीं हल हो सकता क्या? मसला इतनी दूर पानी भरने आने के लिए? ओ ये तो गांव की सभी औरतें करती हैं बरसों से। तो यही तो कह रही हूँ, हम सबका मसला है, सब मिलकर हल कर लेते हैं। राम से अच्छा, अब चल मुंह ना अपना, वो देख सूरज निकल रहा है कितना प्यारा लग रहा है। असल तू मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करता। ओ कितना प्यारा मौसम है, अगर हम अभी घर में बैठे होते तो ये मौसम देख सकते थे, नहीं ना? मुझे नहीं अच्छा लगता इतनी दूर पानी लेने के लिए आना, मुझसे नहीं चला जाता। असगर तू मेरे लिए मसला नहीं हल करवा सकता। वो मसला तुझे लग रहा है, तू नहीं आई है ना, हम सब तो यहाँ बहुत खुश हैं, और बेहतर होगा कि तू भी हमारी खुशी में खुश हो जाए। चल अब आ जा। वो देख वो हमारे दादा अबू की कब्र है, वो सात दादी भी। ओए तेरा बेड़ा तर जाए, तू इधर नल पानी भरन गया सी? ओ मैं शमीम दे नाल। ओए ओए की कहेंगे लोग हैं कि तू रंग मरीद हो गया? क्यों है, क्यों है? आओ जी आओ, देखो भरा तुहाडा सारिया औरतां ली हरकतां करन डिया। क्या कीता ई पजानो? शमीम नाल गया सी उसनी मदद करन, पानी भरन गया सी। ओ तेरी मदद करनी है, करनी है तेरी मदद, मजदूरी कर दी तेरे नाल, रेता बजरिया सीमेंट चुक दी है। वो चलिया क्योंकि वो तेरा काम है, मर्दा वाला काम। ते पानी भरना ना औरतां दा काम है, खबरदार आइंदा तू इनू लेके गई ते। चल बस बस मैं रोटी दे। अब्बा जी उठे नहीं, हले देकर सुते ने? अब्बा जी मुझे देखो अब्बा जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक असा सारे की अपनी रब की तरफ पहुंच रहे हैं, तुसा सारे की बहु अफसोस नाल ते इत्तला देना वा कि हुन तू थोड़ी देर पहले मिस्त्री नजीर अहमद जहान फानी तू रुसत होई के, तुसे गल चंगी तरीके नाल जानने हो कि ग्रां ने कोई पानी पहले तो बहु काटा। इस वास्ते तुसा सारे भरावां की दरखास्त करने आ कि मैं गुसल वास्ते अपने अपने घर तो पानी इकट्ठा करी के मरहूम ने घर पहुंचाओ। बहुत शुक्रिया।
असगर, क्या सोच रहा है? कि अप्पा जी ने बहुत याद आनी है जी, उनके बगैर घर बिल्कुल रौनक हो गया। देख, तूने अब्बा जी की बहुत खिदमत की है, इसीलिए अल्लाह ने तुझे एक इनाम दिया है। नाम? अल्लाह ने इस घर के सारी रौनकें भेज दी। वो तो क्या कहना चाह रही है, खुल के बता। अब हम दोने ही तीन होने वाले हैं। सच? ये तो तूने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अब्बा जी होते तो बहुत खुश हो जाते। मैं कब्रिस्तान हो गया था। असगर, मैं अपना बच्चा यहां पैदा नहीं करूंगी। वो ऐसा क्यों कह रही है? हमारा बच्चा ये गंदा पानी पिएगा। देख असगर, मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं गंदा पानी भी पी लूंगी, चल चल के मेरे पैर भी घिस जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने बच्चे को मैं ये गंदा पानी नहीं पीने दूंगी। बच्चे के पैदा होने से पहले तुझे कुछ करना पड़ेगा, वरना देख मैं यहां से चली जाऊंगी, मैं उसे हरगिज़ से गंदा पानी नहीं पिलाऊंगी। चन्ना पे है ना, उसनु चलन दे। असन के जरूरत पड़ी है किसी दे मसले विच वड़न दी। ओ भाई जान, किसे ना मसला नहीं है, ऐसा सारियां दा मसला है, ते असा सारियां की मिलके इसकी हल करना है। मैं ते कौंसलर साहब कोल जासा। मैं भी साथ चलूंगी। ते घर कौन चलासी हैं? पानी पीछे दरवाजे विच तके खास है। मैं सब कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस मैं अपने बच्चे की ना एक गंदा पानी नहीं पियाई सकना। एक गल कन खोल के सुनो, कि तुसा मेरी गल नहीं मनने हो तो पहले मैं अपना चूल्हा लैदा कर सा। उसनु बाद करे दे विचकार दीवार बना सा। असा दोवें तुसा ने ना लां कौंसलर साहब। सिर्फ तुसा दोनों अस नाल कुछ नहीं होना, पूरे ग्रह की आवाज चुकनी पैसी। ते मैं एक एक बंदे कोल जासा और मैं औरतों के पास चली जाऊंगी। असा उन्हें की जाके समझासा, उन्हें की मनाने की कोशिश करसा, बल्कि मैं ते आना के कौंसलर साहब तुसा भी असा ने नाल ही गशो।
आओ बिस्मिल्लाह करिए। देखो जी, ये पानी ना जरा मसला है ना, ये सिर्फ कौंसलर साहब ना, मेरा या मेरी जनानी ना मसला नहीं है, ऐसा सारिया ना मसला है, पूरे ग्रां ना मसला है। तो दूसरी गल ये कि साड़ियाँ जनानियाँ दो दो किलोमीटर दूर पानी आस्ते जानियां, वो भी काम बंद हो सी। तो जेड़े साडे बच्चे ते बुजुर्ग गंदा पानी पी के बीमार होने, तो साडे मुर्दे बगैर गुसल तो दफनाए जाने, उस सारा काम बंद हो सी। सारे मेरे नाल हो ना, पहले अपने प्रभु नूं मना, फिर असीं तुहाडे नाल आ। गुड्डू 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 पानी पी, पानी पी, पानी गुड्डू पी, गुड्डू गुड्डू ए पानी पानी पी मेरा बेटा, पानी पी। क्या हो जाएगा गुड्डू? क्या गुड्डू नूं? मैं नहीं पता। मैं आखना क्या है गुड्डू नूं? मैं नहीं पता, इन्हें अस्पताल लेके चलो जीती। तुम लोग नहीं सुधरोगे। कितनी बार कहा है कि पानी उबाल के पिया करो। तुम लोगों ने बाप तो खो दिया, अब क्या इस बच्चे को भी खो दोगे? हाँ, उसे भी तो इसी पानी की वजह से मसले थे। ये तुम्हारी बीवी कई दफा मुझसे दवा लेकर गई है उनके लिए, बताओ। मैं दुआ लिख देता हूं, अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग इसे यही पानी पिलाते रहे तो अगली बार शायद मैं ना बचा सकूं। क्या हाल है गुड्डू ना? हम ठीक है। मैं माफ कर छोड़ जा रहा, मैं गलत था। एक नहीं, 100 बार भी तैयार नहीं छोड़ी पैसी तो मैं छोड़ सा, पर मैं किरां ले पानी दा मसला हल कर सा। असे क्या छोड़े? ते पजानो साना चूल्हा ते लगना उसी ना। अगर तुम्हें किसी दस्य से किस तरह आश्वास मिला?
जाने तो सां अपने मुबारक हथा नाल दियो ना। तुझे कितनी दफा मना किया है, इस हालत में पानी लेने मत जाया कर, मैं हूं ना। तो लगता है सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी। ओ अल्लाह ने चाहा ना तो अगले महीने सारे घरों में नलका लग जाएगा। कौन से साहब कह रहे थे? 6 महीने से यही कह रहे हैं। हर महीने के बाद अगला महीना आ जाता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। ओ अल्लाह सब बेहतर करेगा। काउंसलर साहब कह रहे थे कि फंड्स मिलेंगे ना तो अगले महीने सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ वक्त जाया हुआ है हमारा। मारी तरफ तो सारे की अस्सलाम वालेकुम। मैं तो अपना काउंसलर मलिक बिशारत। मैं तो सारे की इतला देनी सी कि ग्राएं च सरकारी टीम ते मशीना पहुंची गई, नाले ग्राएं च पानी दे पाइप बनने का काम कुछ देर तो बाद शुरू होना। मैं तो सारे की दरख्वास्त पेश करना कि मस्जिद नाल वाले ग्राउंड जमा हो जाओ ताकि काम तुसनी मौजूदगी नाले तुसनी दुआमा शुरू करिए। आखिर मैं तुसें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना कि अल्लाह ताला तुसनी दुआमा सुनी की दिया ते तुसनी कोशिशें रंग की नहीं आई हैं। ऐसानी निकी जी चोरी है तो मैं बस सारियां की यही कहना चाहना कि जिसने कार भी कोई मसला हुए तो उसकी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि दूजियां दा मुंह तको अपने आप की सीधा करना चाहिए। जे मेरी बीवी ने मैं अकली गल दसी है तो मेरी समझ आएगी है तो और लोगों ने भी चाहना कि जहाँ बीवियां उन्हें की कमतर ना समझन, उन्होंने गल सुन तो वो ठीक गल कर सकन। तो फाइनल गल ये है कि जिहड़ी मेरी बीवी है वो काफ़ी ब्यूटीफुल है।